जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का, वो आप सबके कार्य का, रात्रि होने पर वो गणों के कार्य। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का, 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले उस चूरमे का प्रसाद। आप क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई 16 जोड़े आ रहे हैं उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाए। पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है, शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता, उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता है। कितना भाव है हमारा। 6 दिवस की औषधि है सप्तम दिवेश का खजाना, शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है। आप रखो, धारण करो, पर रात्रि होगी उस पे गणों का हक, शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम लें?